अगली खबर में छत्तीसगढ़ की, जहां पर 27 अक्टूबर को बीजेपी दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों का सामूहिक नामांकन दाखिल करेगी, जहां सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अपने अपने दलबल के साथ में सामूहिक रूप से रैली के माध्यम से पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले सभी प्रत्याशियों का शुभ मुहूर्त के अनुसार नामांकन का एक सेट जमा किया जा चुका है। नामांकन का एक सेट जमा करने वालों में पाटन विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण के प्रत्याशी ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर प्रत्याशी गजेंद्र यादव, विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डोमन लाल कोर सेवाड़ा शामिल थे। आज 9वां दिन है माता रानी, हम सब पे, आप सब पे, पूरे भारत देश पे, पूरे विश्व पे माता रानी की कृपा हो और माता रानी ऐसी उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का मुहूर्त का नामांकन भरे हैं और उस क्षेत्र की जनता के हित के लिए, उस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को समाप्त करने के लिए यह राजनीति बहुत बढ़िया रहेगी। और जीत के उत्साह और उमंग के साथ आज हम सब ने मिलकर फार्म भरा है और जनता का आशीर्वाद है, हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों का, युवा साथियों का जोश और उत्साह है और पूरी उम्मीद है कि हम पाटन में जीतेंगे और मुख्यमंत्री चुनाव वहाँ से हारेगा।